गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टॉप 5 प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो आप ले सकते हैं अंडर 500 रुपीज ओनली। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन से लिए थे एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप ले भी सकते हैं। और ये प्रोडक्ट अंडर 500 है तो अंडर बजट भी है, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं जो नेसेसिटी है डेली लाइफ की। इसमें से मेनली प्रोडक्ट्स मेकअप के ही है तो, और काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ये है स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेट मेकअप बेस, और ये है इन द शेड सिल्वर पिंक 02 शेड है। ये शेड मुझे काफी पसंद लगती है अपने स्किन टोन के लिए। एंड इसके अलावा ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगता है। ये बहुत ज्यादा सिमिलर है मैक स्ट्रॉब क्रीम के, और इसको अगर आप अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पे तो ये बहुत अच्छा लुक दे देता है, ड्यूई लुक दे देता है आपके फेस को। इवन अगर आप मेकअप भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, विदाउट मेकअप के भी इसको आप अपने फेस पे लगा सकते हैं और एक अच्छा सा ड्यूई फिनिश दे देता है ये अपने फेस पे आपको। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ड्यूईनेस ला दिया है इसने मेरे हाथ पे। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, और अंडर बजट भी है, मतलब काफी सस्ता भी है ये, काफी अफोर्डेबल प्राइस पे है ये। प्राइस अभी मुझे इसका याद नहीं है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज चेक कर लेना वहां से। तो ये मुझे काफी अच्छा प्रोडक्ट लगता है और बहुत सारे यूट्यूबर रेव करते हैं इसके लिए। अच्छी बात है कि ये बहुत सेट भी जल्दी से हो जाता है, मैंने भी अप्लाई किया है और ये इजिली सेट हो गया है। तो बज भी नहीं करता है, आपके फेस को अच्छा सा शीन भी देता है। आप इसे लिक्विड हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर अपने पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये, और ये है ब्लू हेवन की हाइपर स्टे वेटलेस लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड 111। ये बहुत अच्छा न्यूड शेड है, ये सभी स्किन टोन को सूट करेगा और ये बहुत अच्छा शेड है, मुझे काफी पसंद आता है। और ये बिल्कुल भी किसी भी स्किन टोन को वॉश आउट नहीं करेगा, और ये एकदम परफेक्टली MLBB शेड बन जाता है मेरे लिप्स के लिए, और ये बहुत अच्छा न्यूड शेड है। और ये तो सिर्फ 100 रुपीज के अंडर मिल जाएगी आपको, क्योंकि Amazon पे ब्लू हेवन पे काफी अच्छा डिस्काउंट चलता रहता है, तो आप वहां से इसको ट्राई कर सकते हैं। और अंडर बजट अगर आप कोई भी लिपस्टिक देख रहे हैं जो न्यूड शेड हो या फिर अंडर बजट हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ड्राइंग है, बट अगर आप अंडरनीथ लिप बाम अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्मूला टेक्सचर भी बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर आप ऑयली फूड खाते हैं तो भी ये निकल जाती है, तो उसको उस केस में आपको रीटचअप करना पड़ जाता है। और ये काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है, अगर आप अच्छे से इसको लगा के खाना या लंच करते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक टिक जाती है। ये काफी अच्छा शेड है और ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, तो काफी डिसेंट है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप देखना चाह रहे हैं ऐसे कुछ लिपस्टिक। और नेक्स्ट मेरे पास है ये, जो कि नेसेसिटी है मेरे लिए, और जब भी मैं अपनी आई लैशेज अप्लाई करती हूँ तो मैं किसी और ग्लू पे भी नहीं जाती, मैं सिर्फ इस पे जाती हूँ। और ये है पैक का लैश फिक्सर एडहेसिव आई लैश एडहेसिव, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये 400 के अप्रोक्स होता है, लिंक दे दूंगी, वहां जाके ट्राई कर लेना। और इसका मुझे इतना अच्छा लगता है ये कि एकदम आपकी लैशेस को स्टिक कर देता है, और ये काफी अच्छा है लैश ग्लू। लैश ग्लू अगर आप देख रहे हैं तो आप इसी को ट्राई कीजिए, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जब तक आप खुद अपनी आई लैशेस को रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो नहीं निकलेंगे, और ये बात मुझे इसकी बहुत पसंद आती है। मैं इसको अपने भाई की शादी में लिया था, उसको 2019 में लिया था, और तब मैंने लैशेस वेयर किए थे, तो वो जब तक मैंने खुद रिमूव नहीं किया था तब तक वो टिकी रही थी। तो अगर आपको कोई भी लैश ग्लू चाहिए और अंडर बजट चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका एक ही ड्रॉबैक लगता है कि ये आपके लैशेस में लग जाता है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके लैशेज में काफी दिन तक चिपके रह जाता है। बट मैं क्या करती हूँ उसके लिए कि अपने मेकअप रिमूवर को स्लाइटली बहुत ही जेंटल प्रेशर से
अपने लैशेस को तब तक रब करती रहती हूँ जब तक वो निकल नहीं जाता, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन हो जाती है उसको लगे रहने से। बस एक यही ड्रॉबैक है इसका, अदरवाइज अगर आप अच्छे से इसको अप्लाई करते हैं तो लैशेस पे भी नहीं जाता है, कई बार चला जाता है, मेरे से कई बार नहीं जाता है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी नेसेसिटी है, ये आप देख सकते हैं ये खत्म भी होने वाला है और मैंने इसको ऑलरेडी ले चुकी हूँ, लाइक न्यू पैकेज में वो ऑन द वे है, तो मैं इसका ऑलरेडी बैकअप है मेरे पास। तो ये अगर आप देख रहे हैं कोई भी लैश ग्लू तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये काफी अच्छा है और बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा टेक्सचर है और इवन व्हाइट कलर का दिख रहा है बट आप जब इसको अप्लाई कर लेते हैं तो ये ट्रांसलूसेंट हो जाता है तो दिखता भी नहीं है। मैंने अभी इसी को यूज किया है तो बहुत अच्छा वर्क करता है मेरे लिए, तो ये आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आप कोई भी लैश ग्लू देख रहे हैं तो। और नेक्स्ट है मेरे पास, ये काफी अच्छा लगता है मुझे, ये है अर्थ रिदम का लिप चिक टिंट। तो एक्चुअली लिप चिक टिंट में अभी आई हूँ, लाइक पहले मैं नहीं लेती थी कि ब्लश मुझे ज्यादा पसंद थे, बट जब से मैंने बहुत सारे अभी ट्राई कर लिए हैं मैंने, तो तब से मैं मुझे हर लिप एंड चिक टिंट पसंद आने लग गया है। तो उसमें से है ये, इसका प्राइस तो अबव 500 है बट मुझे ये 400 के अप्रोक्स मिला है और ये इसमें मैंने पिंक शेड लिया है, ये काफी अच्छा लगा मुझे। मेरे पास रेड है तो सभी शेड ट्राई करने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट में। तो ये कुछ डो फुट एप्लीकेटर की तरह आता है और ये जब आप इसको अप्लाई करके ब्लेंड करते हैं तो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है और काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है और इसकी पिगमेंटेशन आप अकॉर्डिंगली बिल्डअप कर सकते हो या फिर जितने आपको चाहिए वैसे भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छी पिगमेंटेशन भी लगती है। आप इसको लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, चीक पे भी अप्लाई कर सकते हो और इसका टेक्सचर भी काफी क्रीमी है, नॉन ड्राइंग है और आपको ऐसे नहीं लगेगा कि अप्लाई करने के बाद इजिली ब्लेंड भी हो जाता है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो इजिली ब्लेंड हो जाता है ये ऐसे, आप देख ही सकते हैं मेरे हाथ पे कितना। और इसमें ऑयल्स भी है तो आपकी स्किन को नॉन ड्राइंग रखता है, जैसे लिप्स पे अगर आपकी चैप लिप्स हो रहे हैं तो उनको थोड़ा मॉइस्चराइज भी करेगा ये और अच्छे से उनको नरिश भी करता है। और अगर आप इसको मेकअप के ऊपर लगाते हैं तो आपके मेकअप को रिमूव नहीं करेगा, अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो ये एकदम टिका रहेगा और काफी लंबे समय तक भी रहेगा। तो ये काफी शेड्स में आते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं और ये मुझे काफी अच्छा लगता है। इन जनरल लिप एंड चिक मुझे काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि 2-in-1 प्रोडक्ट हो जाता है ये। और लास्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये, और ये है हाइलाइटिंग पैलेट, ये काफी अच्छे प्राइस पे है और ये आई थिंक बहुत ही कम था इसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाती है, इसका प्राइस मेरे को नहीं याद है। और इसमें आपको 3 शेड मिलते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल पैलेट बन जाती है। नाउ इसमें ये 3 शेड मिलते हैं आपको, इसमें ये 3 शेड मिलते हैं आपको, ये गोल्डन, ये रोज गोल्ड टोन में है, ये गोल्डन में है और ये सिल्वर टोन में है, तो ये सभी स्किन टोन को आप सूट करेंगे। अगर आप किसी के भी स्किन टोन के हैं तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, अफोर्डेबल रेट पे बहुत अच्छा हाइलाइटिंग पैलेट मिल रहा है आपको। आप इसको मल्टीपर्पज यूज भी कर सकते हैं, आप इसको अपनी आईज पे एज अ आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने पूरे फेस पे हाइलाइटिंग पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं जनरली मेरी शेड पे ये वाला शेड, मेरे स्किन टोन पे ये वाला शेड बहुत अच्छे से जाता है, देख सकते हैं कितना अच्छा शेड आया है, यहाँ नहीं दिख रहा आपको, ये है आई एम नॉट श्योर कि आपको कैसा दिख रहा होगा बट काफी अच्छा शेड है और बहुत ही बटरी सॉफ्ट है और इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल नहीं है। जिन लोगों को चंकी पार्टिकल नहीं पसंद है वो उनको ट्राई कर सकते हैं और ये भी काफी ब्यूटीफुल सा शेड है सिल्वर टोन में, व्हाइट में, कुछ लोगों को पसंद होता है बट मैं उतनी फैन नहीं हूँ। और इसमें साथ में साथ गोल्डन अंडरटोन भी है, तो सभी तीनों शेड सभी लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग है, सभी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, सभी स्किन टोन पे ये बहुत अच्छे से जाएगा, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छे अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत अच्छे पैकेजिंग में बहुत अच्छी क्वांटिटी भी मिलती है और ये मुझे काफी पसंद आया। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ कितना अच्छा ग्लो दे देता है, ऑल्दो मैंने अप्लाई किया हुआ था इसको,
आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो दिया है इसने फेस को। तो अगर आप देख रहे हैं अफोर्डेबल रेट में तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी पैलेट है ये और स्विस ब्यूटी की है तो ब्रांडेड भी है और स्विस ब्यूटी के काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे लगते हैं, तो ये भी उनमें से एक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दिस इज प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो। और इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके ट्राई कर सकते हैं। और ये सभी 500 के अंडर थे, विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट भी कुछ थे, तो आप इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से प्रोडक्ट्स में से लेना है तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।